वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी जो है मैं अपने कमरे में कमरे में बैठी हूँ। अभी सोती उठी हूँ, हाथ पैर धो लिया, अब मैं पीने लगी हूँ अपना ये पानी संदल वाला। क्या मैं सुबह मुझे कुछ ना कुछ चाहिए होता सुबह पीने के लिए, तो अब मैं संदल डाल के पीती हूँ। इसके अंदर संदल नहीं डाल के पीती, बल्कि ये डाल के पीती संदल में शरबत, संदल का शरबत इस बार। और सबसे पहले मैं ये पी लूँगी, फिर मैं अपनी दुआ करूँगी, देन आई विल स्टार्ट माय डे। डे स्टार्ट हो चुका है तो प्रॉपरली आप लोग इस बोल के, वैसे लोग तो कहते हैं गर्म पानी पीना चाहिए, मैं ठंडा पीती हूँ क्योंकि अभी भी आप देख सकते होंगे कि मेरा फोरहेड जो है चमक रहा है। इसलिए चमक रहा है क्योंकि मैंने इस पर एलर्जी वाली क्रीम लगाई थी, और जब वो लगा लो तो ये चमक जाता है। तो एलर्जी की वजह से मैं जो है वो ठंडा ठंडा पानी पीती हूँ, या शुगर डाल लेती हूँ या फिर कुछ और डाल के। तो पहले मैं पानी खत्म कर लूँ, काम कर लूँ, फिर मिलती हूँ। है मैंने दुआ वगैरह अपने सारे काम जो है वो कर लिए हैं, तो अब आई मैं किचन ओवन आपको जैसा कि मैंने बताया था कि मैं पहले काम कर लूँ फिर मिलती हूँ, मतलब की दुआ वगैरह कर लूँ फिर मिलती हूँ। तो अभी जो है मैं यहाँ पे चाय रख लूँगी साथ, और साथ मैं कर लूँगी रात को जो मैंने बनाया था पुलाव, उसको गर्म कर लूँगी, उसको मैं गर्म करूँगी फ्राइंग पैन में, बिकॉज मुझे वो जो थोड़े थोड़े नीचे जब लग जाते हैं ना ऑन के गर्म किए हुए, मुझे नहीं पसंद। सुबह नाश्ते में अगर खाना है तो फिर आपको वो वैसे ही पसंद आएंगे दूसरी तरह, मतलब कि गर्म कर कर। तो चावल निकाल लेते हैं पहले, और इसको हम डाल लेते हैं हर टाइम। तो चावल मैंने सिर्फ अकेले नहीं खाने दिया है, मेरे साथ नवा जी हैं तो हम तीनों खाएंगे, और थोड़े से हम ले लेंगे साथ में रस, थोड़े से कट ले सा रस से, और साथ में रख लूँगी चाय में पहले रख दो, देन आई विल मीट यू। मीट तो बात तो अभी मैं कर रही हूँ, मैंने चाय में रख लूँ साथ, और मैं पानी लेके आ गई हूँ। अब जो है इसके अंदर मैं पत्ती सोखते सा पहले पानी गर्म होने देती हूँ, और इसको मैं इसकी आंच बिल्कुल हल्की कर दूँगी जिस पर ये जो है वो गर्म होते रहेंगे, ठीक है। अब मैं नाश्ता करने के बाद फिर मिलती हूँ, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ों बताती हूँ। पहले मैं ना जब दुआ कर रही थी, मैं यकदम इस कमरे में आई तो इस कमरे में तू आया और वो इसलिए हुई थी क्योंकि वहाँ पर ये वाले घर में काम हो रहा है, और वो पता नहीं कोई मशीन वगैरह से कुछ कर रही, और वो सारी मिट्टी जो है घरों में जा रही थी अंदर, तो मैंने इसकी वजह से जो है खिड़की बंद कर दी है। मैंने क्या कि मिट्टी हो जाना है कमरा। तो अब जो है पहले नाश्ता कर लें फिर मैं मिट्टी। तो अभी जो है मैंने अपने सारे काम कर लिए, हमें बस करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि मैं वीडियो बनाने के लिए मुझे ये जो है इनसे मुझे वैसे फ़र्क नहीं पड़ता। पहले मैं आपको कपड़े दिखाता थी कौन से पहनूंगी, वो पहले मैं पहन चुकी हूँ, पर मैंने उसमें वीडियोस नहीं बनाई, मैंने इसलिए वो अभी तक लटकाया हुआ है, तो मैं दिखा देती हूँ। आसान जो है मैंने सीधा कर लिया है। टुडे आई वेयर दिस, और इसके नीचे जो मैंने ये ग्रीन पजामा पहना है यही पहनूंगी, क्योंकि मैंने तो बस इतनी वीडियो वाली है, बाकी पूरा कौन सा पूरा वीडियो वाला है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या करती हूँ मेकअप, मतलब कि क्या लगाती हूँ टिकटॉक पे मेकअप बनाने के लिए। इतना कुछ ज़्यादा नहीं लगाती, बहुत थोड़ी चीज़ें लगानी हूँ। इसको मैं रख दूँगी यहाँ पर, अब मुझे नहीं पता क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। सबसे पहले जो है मैं थोड़ा सा जो है थोड़ा 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 थोड़ा
देखिए उसका फ्रिज में रखना चाहिए, बहुत ही लिक्विड है। थोड़ा सा लोशन लेकर इसको ऐसे ऐसे करके लगा रही हूँ, ठीक हो गया। और बेचेस में कुछ नहीं आ रही, और डेवलप अब जो शार्ट है मैंने बता दिया लोशन, अब मैं लगाने लगी हूँ मस्कारा। मस्कारा लगाने के लिए मुझे चाहिए छोटा शीशा, क्योंकि मैं बैठी हूँ दो शीशे तो दूर के, ताकि मैं तुम्हें पूरी नज़र आ सका, नाले नाले मेरी बकवास भी सुनो। और मैं लगा लूँगी ये वाला मस्कारा, मुझे एक काम करना है, लाइनर लगाना सीखना है, कब सीखना है वो मुझे खुद नहीं पता। लगाना नहीं आता और उसे बहुत मुश्किल होती है। और ये मस्कारा मैंने लगा लिया है, और सारा आधे से ज़्यादा नीचे लगा है, मैं मस्कारा ऐसे लगाती हूँ। और अब जो है मैं लगाऊंगी, पहले मैं करूँगी इसको साफ एक्स्ट्रा मस्कारे को। और ये मैंने टिश्यू तोड़ा है, पर इतना संतरा है एम एल आले ऑन हम में लगाऊंगी लिपस्टिक। मेकअप ख़राब करना है तो फिर मैं काजल का लगा सकती हूँ लाइनर, क्योंकि अगर मैंने मेकअप ख़राब करना है तो फिर तो मैं लगा ही सकती हूँ। अब मैं लगा लूँगी लिपस्टिक। मैं अभी इधर जो है ब्लश ऑन इसलिए नहीं लगा रही, क्योंकि अगर मैंने लगा लिया तो फिर ये काजल अभी सूखा नहीं है, तो ये और फैल जाएगा, बहुत फैल जाएगा, इस वजह से मैं पहले लिपस्टिक लगा लूँगी। मैंने लगा लिया, उनकी करना है। और मैं ये लूँगी पैलेट, इसमें से एक मिनट ब्रश ले लें, इसमें से मैं ये जो गोल्डन वाला है ये ले लूँगी आई शेडो, उसको लेकर ज़रा से लेकर इधर इधर ऐसे ऐसे टैप कर लूँगी। इसके साथ मैं ले लूँगी थोड़ा सा ये वाला रेडिश, रेडिश नहीं मैरूनिश है, और इसको मैं थोड़ा सा पाउडर देखो लगा लूँगी। एंड माय आई मेकअप आर डन। इतना सा मेकअप है, बस पता नहीं कौन करता होगा इतना, तो मैं इतना करती हूँ। और अब मैं लगा लूँगी अब मैं लगाऊंगी पहले ब्लश ऑन। तो ब्लश ऑन करने के लिए मैंने कितना पहले मैं बहुत लाइट सा ब्लश ऑन लगाऊंगी, उसके लिए मुझे करना पड़ेगा हंसना पे ऐसी फेक फेक या ऑरेंज यूज करूँगा। ठीक हो गया, पता नहीं नज़र आ भी रहा है, मैं तो ला लिया। कौन ऐसी लाना है कि लाना है क्या कहते हैं इसको, हाईलाइटर। हाईलाइटर लाने के लिए मैंने ये वाला ब्रश लिया, मेरे पास दूसरा भी पड़ा हुआ है, पर मुझे पता नहीं क्या चुन लगी हुई बची हुई है कि मैंने ये वाला ब्रश ले लिया।
बहुत समय आप लिया। देखिए लवन ला लवंगी ला लवंगी और इसको मैं कर लूँगी सही टेन। मेकअप ट्यूटोरियल इज डन। इतना सा मेकअप ट्यूटोरियल आज तक आपको किसी ने भी दिया होगा तो मेरी इज्जत करें कि मैंने आपको इतना मेकअप ट्यूटोरियल दिया, और इसका लाइक करना कि मैंने आपको इतना सा मेकअप ट्यूटोरियल दिया। और अब मैं आपको भी बताती हूँ कि मैं बाल कैसे बनाती हूँ, उसके पीछे भी बहुत बड़ी बात है, तो मैं अब आपको बाल बनाने के बारे में। हाँ जी, वीडियो है, मैंने शॉर्ट चेंज कर लिया और मैं आपको बताती हूँ कि मैं बाल कैसे बनाती हूँ। और इसको मैं थोड़ी बता दूँ तो मैंने चूड़ी बनाई है, और आज मुझे पहले बता दूँगी सबको कौन, क्योंकि मेरे बाल जो है वो स्ट्रेट हो जाएंगे अच्छी तरीके से। और ये भी मैंने बाल स्ट्रेट कर लिए, तो आज मैं सोच रही हूँ कुछ डिफरेंट करते हैं, क्योंकि मैं हमेशा ही एक साइड पे कर लेती हूँ। आज मैं अपना कौन सा वाला हेयर स्टाइल, मैंने उसको एक नाम दिया हुआ था, मुझे नाम भी कैसे दिया। अच्छा, इसको मैं ऐसे ऐसे कर लूँगी, मेरा फेमस हेयर स्टाइल, क्योंकि मुझे एक ही बनाना आता है अपने बालों पर, मुझे हेयर स्टाइल बनाने आते हैं और दूसरे के बालों पर, उसके बालों के लिए। अब हम लगा लेंगे यहाँ पर, डाले और नजर आएंगे तो टिकटॉक में मैं और लोगों की बातें सुनूंगी। अभी जो है मैं ये वाली पिन लगा दूँगी वापस, एक दो पिन मेन लगा के जरिए इसको मजबूत कर लेते हैं। जाओ मुझे जाओ, एक दो पिन लगा के मैंने इसको मजबूत कर लिया है। और अब जो है मैं इधर से एक एक मिनट टाइम लगा दूँगी, एंड माय मेकअप इज डन एंड आई एम रेडी टू गो। और मैं एक दो मिनट लिखा पाना ऐसा, मैंने ये रोटी पहन ली और अब मैं आपको टिकटॉक बनाने के बाद मिलती हूँ, क्योंकि मैं सच्ची में इसके अलावा और कुछ भी नहीं लगाती हूँ। बस यही, अगर कोई शादी वगैरह के लिए मेकअप हो फिर आई मैं डिफरेंट थोड़ा करती हूँ, ईस्टर क्रिसमस या कुछ इस तरह का फंक्शन, मतलब कि ईद वगैरह हो उसके लिए डिफरेंट करती हूँ। वैसे मैं कहीं पर भी जाना हो सेम मेकअप और बस यही करती हूँ। और बस अब जो है मैं सुनती हूँ वीडियो बनाने के लिए, वीडियोस बना ली हैं और मैंने मेकअप इतना भी बुरा नहीं किया, मुझे लग रहा था कि मैंने बुरा किया है। आप लोग बताना मैंने मेकअप कैसे किया है आप लोगों के हिसाब से तो ये किया होगा 0/0 हूँ मैं मेकअप में, बट फॉरगेट दैट। अभी मैं बनाने जा रही हूँ, एंड दिया ने मुझे कहा है कि मुझे ओरियो केक बना के दो, तो मैंने उसकी रेसिपी देखी है, तो मैं मूस ओरियो केक बनाने लगी हूँ। थोड़ा नाम अजीब सा है पर मैं भी पहली दफ़ा बनाने लगी हूँ, ट्राई करते हैं, ये ना हो कि उस दिन की तरह हो जाए क्या बनाने लगे थे खोया, फिर दूध ही ख़राब हो गया, इसमें दूध का कोई काम नहीं है। तो पहले ट्राई करते हैं बनाना, कोशिश करते हैं, बिकॉज़ कोशिश नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। वाह वाह वाह, व्हाट आई स्पीक। तो ये भी मैं कोशिश ही कर रही हूँ, तो मैंने 100 से ज़्यादा वीडियोज़ डाल चुकी हूँ कोशिश करती करती नहीं, और सब्सक्राइबर 100 से भी कम है, वीडियोस मेरी 100 पता नहीं कितना पहुँच गई हैं, सब्सक्राइबर 100 नहीं हुए लोगों की इतनी, मैं पता नहीं के में पहुँच जाते हैं सब्सक्राइबर, और हमारे भी जाएंगे, उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद है हमें भी। और मुझे चाहिए एक शीट, तो उसके लिए मैं थोड़ा मुझे छानबीन करनी पड़ेगी, तो मैं पहले वो कर लूँ। मिलती अभी जो है मैं आ गई हूँ ऊपर, और मैं अब करने लगी हूँ छत की सफाई, क्योंकि हमारी मुर्गियाँ बहुत कमाल की हैं,
तो पूरी छत को जो है वो फुलियाँ बिगाड़ गई हैं, और छत गंदी हो तो अच्छा नहीं लगता। तो अब आप देखें टाइम लैप्स, वापस प्रैंक हो गया। मैंने टाइम लैप्स को वीडियो को मतलब के लगा के मैंने फ़ोन रख दिया, वीडियो खुद ही बंद हो गई और बनी ही नहीं है, ज़रा सी भी नहीं बनी। और जो छत है वो मैंने साफ़ कर ली है, ये आपको ठप्पे नज़र आएंगे जगह जगह पर, ये मुर्गियों के ठप्पे हैं। और ये चटपाई हमने यहाँ पर इसलिए रखी है ताकि ये जो बेलें हैं ये बच सके। हम लोगों के घर मुहिम चल रही है, पौधे बचाओ लोगों के मतलब के मुल्क में मतलब के चल रही है कि पौधे लगाओ, हम लोगों के घर में चल रही है पौधे बचाओ, क्योंकि हमारी मुर्गियाँ जो है नीचे आके पौधों पर हमला कर देती हैं। वहाँ पे हमने पर्दा लगाया है, यहाँ पे हम लोगों ने चरपाई रखी हुई है, वो नहीं खाती, वो उनको पता है कि नहीं अच्छा होता, उसका टेस्ट नहीं उनको पसंद, ये खा ली हैं। और बैंगनों के ऊपर तो एक पत्ता जो है उन्होंने नहीं छोड़ा। तो अब जो है मैं करने लगी हूँ सीढ़ियाँ साफ़। तो अब आप देखें सीढ़ियाँ साफ़ करने की टाइम लैप्स, क्योंकि उसके तो बने नहीं।